आजमगढ़ के ग्राम सभा बेली रामपुर कठरवा शिव का पूरा के पातालपुरी महादेव मंदिर पर एकादश कुंडी रुद्र महायज्ञ के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, जिसमें संत श्री श्री 1008 फलाहारी महाराज ने बताया कि इस रुद्र यज्ञ से क्षेत्र का कल्याण होगा, इसीलिए यह लगभग 6 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, जिसमें काफी बड़ी से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एकादश कुंडी रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ 29 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुआ, जिसमें गिरिराज लीला स्थान द्वारा भगवान की लीला का मंचन, वृंदावन मथुरा से आए हुए स्वामी पूरन चंद भारद्वाज और संचालन वेद प्रकाश भारद्वाज और कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध भक्ति से रामलीला एवं रास लीला की झांकी प्रस्तुत की गई। आचार्य पंडित अशोक तिवारी के नेतृत्व में और सहयोगी रवि प्रकाश चौबे के द्वारा किया गया। रुद्र महायज्ञ के आयोजक अध्यक्ष नरेंद्र यादव और उपाध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र ने आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त किए और धन्यवाद दिए। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सौरभ यादव, व्यवस्थापक राम प्रसाद यादव, सचिव उमेश यादव, महामंत्री शैलेश यादव, उप महामंत्री राम अचल यादव, चंद्रिका यादव, अभिषेक यादव, अंकुर यादव, ब्रजेश यादव, सूर्यकांत यादव, देवेंद्र यादव, मनीष यादव, गोलू यादव और ग्राम प्रधान साहब लाल यादव भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये ताज मैं परियों का हूं, रक्षपालों का रक्षपाल, वज्रधारी मैं प्रबल, पुष्ट जनों का महाराज। मुनि बाबा फुलकिया तेल चपला बेलन खाली पड़े। ये रुद्र महायज्ञ गत वर्षों अर्थात ये पांचवा यज्ञ संपन्न होने के बाद ये छठवा रुद्र महायज्ञ हो रहा है। इसका लाभ सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को, जो इसमें श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ सेवा करने वालों को लाभ होता है। इस यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। ये यज्ञ सभी का लाभदायक होता है, अर्थात भगवान भूत भोलेनाथ का 11 रूप है, इसलिए 11 कुंड का ये यज्ञ शुरू हुआ है। ये 29 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, 9 मार्च तक ये चलेगा और 10 मार्च को भव्य भंडारा, संत भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। हमारा नाम नरेंद्र यादव लब्बर है। हम ग्राम सभा बेली रामपुर कठरवा के गुड़ा में एकादशी रुद्र कुंड महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये कई वर्षों से होता चला रहा है और ये जनता की सेवा के लिए और दूर दरार के आए हुए भक्त और श्रद्धालुओं के लिए
ज्यादा से ज्यादा आने का आमंत्रण किया जा रहा है और जितने ज्यादा से ज्यादा रहे सबका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। आए हुए भक्तों को बहुत बहुत बधाई है। भगवान भोले के मंदिर में ये लोग दर्शन करें, प्रसादी लें। इसके बाद हमारे जो रामदास अलारी बाबा आए हैं उनका दर्शन करें, यज्ञ का परिक्रमा करें और अपने जीवन को सफल बनाए। यही हमारे भक्तों के लिए।